जागो इंडिया, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। सुबह के 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें जो आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। खबर पूर्वी दिल्ली से है, जहां के लक्ष्मी नगर इलाके में एक शख्स ने पहले तो अपनी पत्नी और एक बच्चे को मारा, फिर खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति और बच्चा दोनों अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति नीरज एसी रिपेयरिंग का काम करता है, गुरु अंगद नगर में एक फ्लैट में पत्नी और दो बेटों के साथ रहता है। एक बेटे की उम्र 12 साल है, जबकि दूसरे बेटे की उम्र 8 साल है। बताया जा रहा है कि नीरज और उसकी पत्नी के बीच फ्लैट बेचने को लेकर विवाद चल रहा था। फ्लैट पत्नी के नाम था, वो उसे बेचकर पालम इलाके में दूसरे मकान खरीदना चाहती थी, लेकिन इसके लिए नीरज तैयार बिल्कुल नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। मंगलवार रात भी इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई हो गई और इस दौरान नीरज ने अपना आपा खो दिया और उसने चाकू से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया और बीच बचाव करने आए दोनों बेटों पर भी हमला कर दिया। इसके बाद नीरज ने खुद को भी चाकू मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।